ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाप दादा की। आज 29/6/2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको देना है। प्रश्न है, बेहद के बाप को सौतेले भी बच्चे हैं और मातेले भी बच्चे हैं, तो मातेले कौन हैं? उत्तर है, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की राखी बांधते हैं, पक्की राखी बांधते हैं। निश्चय है हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे ही मातेले बच्चे हैं। और जो मेहनत पर चलते हैं, जो मनमत पर चलते हैं, कभी निश्चय कभी संशय प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वो है सौतेले। सपूत बच्चों का काम है बाबा की हर बात को मानना। बाबा पहले मत देते हैं, मीठे बच्चे अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया ना, नई सृष्टि नया युग और पुरानी सृष्टि पुराना युग है। सृष्टि पुरानी के बाद फिर आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं, फिर उसको ईश्वर कहो वा प्रभु कहो, उनका नाम ही जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाए, किसको याद करे? मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनको देश भी नहीं काल भी नहीं। अरे उनका नाम तो शिव भारत में ही गाया है ना, जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है उनको बाबा कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाबा से बुद्धि योग लगे। किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करना चाहिए, क्यों तो फालतू है, टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले बेहद के बाप का परिचय देना है, वो मनुष्य सृष्टि कैसे कब और कौन से रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परमधाम में रहने वाला पिता। परमधाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना, परमधाम तो चांद सूर्य तारों से भी ऊपर है और स्वर्ग ही सृष्टि पर पृथ्वी पर है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग तो यहाँ का धाम है, परमधाम है वहाँ जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती है। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर, नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाबा ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बन गया है। नर्क किसने बनाया, कब बनाया? माया रावण ने नर्क बनाया। भारतवासियों को यह ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं। सिर्फ अर्थ नहीं समझते, भगत सब भगवान को याद करते, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं वो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का स्वर्ग रचने का भी टाइम हो। अब बाबा कहते हैं, मैं फिर से आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ ही आकर फल देना होता है, क्योंकि सब पतित है, वहाँ तो पतित जा नहीं सकते परमधाम में, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। मेरा आवाहन करते हैं, भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उनको ही देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो, बाबा है स्वर्ग का रचयिता, हम उसके अनुभवी हैं। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वो हमें मिला है, उनको तो अपने टाइम पर ही आना है। तो भगवान तो आते ही है अपने टाइम पर। अपने हमने भी बहुत उनको तलाश की है, परंतु मिला नहीं। जब तब तीर्थ आदि के, परंतु ढूंढा बहुत, मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परमधाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़ेगा। 5 वर्ण भी मशहूर है, अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उनका पता नहीं।
तो पहले पहले परिचय देना है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाबा आकर ब्राह्मण रचते हैं और हम ही ब्राह्मण क्या बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ना, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया या ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल वासवानी कुल होता है ना, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल। ब्रह्मा बाबा का तो कृपलानी कुल था ना, तुम हो उनकी औलाद जो सच्चे ब्राह्मण, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भल बच्चे तो सभी है, परंतु उनमें भी कोई मातेले कोई सौतेले है। मातेले जो है उन्होंने पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्यौहार है ना। इन सब यह सब संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का ही है। अभी आकर बाबा रावण को जलाते हैं। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी ज्योत जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योति बुझी हुई है। अब बाबा को खिवैया बागवान कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया बागवान नहीं कहेंगे। बाबा आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब चंपा लिली फ्लावर होते हैं। हर एक में ज्ञान की खुशबू अलग अलग है। तुम अब कांटों से फूल बन रहे हो। यह है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के हैं, धनी है नहीं। जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे, धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को जरूर आना पड़ता है परम नाम छोड़कर। तो बाबा आकर धनी का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी है एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता हो। सतयुग में तो एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पति सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे उच्च खंड, अगर गीता को खंडन नहीं करते हैं तो यह भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को अर्थात अनाथों को आकर धरी का बनाते हैं। ये बातें बाबा के सिवाय और कोई भी समझा नहीं सकते हैं। और यह सब है भक्ति सिखलाने वाले, वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भल कहते हैं हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं स्वर्ग का सुख तो काकनिष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी काकनिष्ठा के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है ना। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं। अब बाबा समझाते हैं बच्चे, सतयुग में कृष्णपुरी थी, अभी है कंसपुरी रावणपुरी। अब बाबा आकर कृष्णपुरी बनाते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य नर्क बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख का समय जास्ती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई भी पा नहीं सकते हैं। इस राज को कोई जानते ही नहीं। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। तुम अपने राजधानी स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाबा की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ये मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सब मुक्तिधाम में भेज, बाकी सबको मुक्तिधाम में भेज देंगे। अच्छा, वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में आएंगे। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते हैं ना, कहते भी है एक को याद करो। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं। बाबा कहते हैं अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से बात करते हैं, बच्चों में भी कोई सौतेले हैं और कोई मातेले हैं। सौतेले वह है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं, और मातेले बांधते हैं राखी।
मातेरे को तो निश्चय रहता है हम तो वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं, कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं ना। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चे आदि सभी को लेकर के आएंगे। जो भाई पक्का है ज्ञान में वो अपनी पत्नी को भी बाल बच्चों को भी लेकर के आएगा, सब धारणा पर चलेंगे, पूरी फैमिली चलेगी, आप समान बनाएंगे, हम सब बगुले इकट्ठे रह न सके। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर, सबको पवित्र बनाना ये बाप का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चले, पति पत्नी दोनों ही एक साथ चले ज्ञान मार्ग में। स्त्री और पति साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियारा बांधते हैं, अब हम पवित्र बन बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल एसॉल्ट हो न सके, विकार में जा न सके, ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी बाबा कहते बच्चे विष पीने और पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना, जो नहीं मानते हैं वह कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे, कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। सपूत को तो झट देंगे, तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। आज बाबा भाइयों को विशेष गाइडलाइन कर रहे हैं कि आपकी पत्नी भी ज्ञान में आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बच्चों को नाक पकड़ करके दवाई पिलाई जाती है ना, स्त्री को कहो तुम मानती हो तो यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट ही स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी बना नहीं सकती है, इसलिए तो अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, बच्चों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी, वो कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका मामला है आपस में सुलझाओ। बाबा तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है? क्योंकि तुम सब बेगर हो, वनवाह में हो, दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रत्न जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो हम अब बाबा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं भक्ति मार्ग में, मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं, वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है, धर्म संस्थापक जितने भी है वो सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाबा आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य है, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना 1 सेकंड का काम है, परंतु अगर 1 सेकंड में मनुष्य समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे, मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है ना, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा शांत स्वरूप हूँ। उसके लिए जो भी जप तप व्रत वैकल्य है करने की कोई जरूरत नहीं है, मातेश्वरी कहते हैं। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए, अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ करते हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपने प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस को हमें पूरा पूरा निकालना है।
असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने वाले इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भर कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी माया। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं, भूल जाते हैं अपने को। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, अपवित्रता का हथियारा बांधना है, देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेज करना है, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। ऐसा वरदान है यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते हैं और सेवा करते भी माया आती है, याद भी कर रहे हैं सेवा भी कर रहे हैं फिर भी माया आती है, तो जरूर याद और सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं है तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे, फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। ऐसे यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।